सिविल लाइन थाना क्षेत्र एम्पायर टॉकीज के पास महर्षि स्कूल के एक छात्र और उसके दादा पर स्कूल के कुछ छात्रों ने हमला कर दिया। इस दौरान दोनों से मारपीट करने और छात्र पर नोकीली वस्तु से हमला करने की बात सामने आई है। घटना के बाद घायल छात्र और उसके दादा सिविल लाइन थाने पहुंचे, जहां उन्होंने FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और मामले की जाँच शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र एम्पायर टॉकीज के पास महर्षि विद्या मंदिर के 9वीं कक्षा के छात्र कृष्णा बमनेल और उसके दादा राजेंद्र बमनेल पर स्कूल के कुछ छात्रों ने हमला कर दिया। छात्रों ने बीच सड़क पर कृष्णा और उसके दादा से मारपीट शुरू कर दी और इस दौरान किसी धारदार वस्तु से कृष्णा पर हमला किया, जिससे उसके कंधे पर चोट पहुंची। घटना को अंजाम देकर हमला करने वाले छात्र भाग खड़े हुए। इस वारदात के बाद घायल छात्र कृष्णा बमनेल और उसके दादा राजेंद्र बमनेल सिविल थाने पहुंचे, जहां उन्होंने FIR दर्ज कराई। सर, मैं अपने बच्चे को लेके आ रहा था गाड़ी से, तो कुछ लड़के आवाज दे रहे थे, बोल रहे थे कृष्णा रुको कृष्णा रुको। तो मैं अपने गाड़ी से लेके आ रहा था, तो मैं एम्पायर टॉकीज के सामने जो ईश्वरदास रोहाणी के वो है कैरवास के सामने, वहाँ पे मेरे को रोका और मेरे को गाली गलौज करते हुए चाकू निकाल दिया। साले बुड्ढे तू नहीं बोलना, साले बुड्ढे तू नहीं बोलना। तो मैंने चिल्लाया, बहुत जनता वहाँ इकट्ठी हो गई थी और सामने एक कंप्यूटर की दुकान है, उसमें मैं घुस गया लेके, तो उसके अंदर तक घुस के इन लोगों ने मारा। तो वो तो अच्छा हुआ कि बच्चे को लगा नहीं, बहुत जम के चाकू लगता वो तो हाथ से मैंने पकड़ लिया, तो बच गया बच्चा। और बहुत मारा उसको, मतलब ऐसे डर गया। कारण सर पहले से इनका विवाद था जो मालूम नहीं। पुलिस ने पीड़ित छात्र की शिकायत पर FIR दर्ज की है और घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल भेजने के साथ ही मामले को विवेचना में ले लिया है। आज समय करीब 2 बजे कृष्णा बमले नामक लड़का है, ये महर्षि विद्या मंदिर का छात्र है। इसके द्वारा थाना सिविल लाइन में उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि इसके साथी जो उसके साथी पढ़ते हैं उसके द्वारा इन्हें एम्पायर टॉकीज के पास इसके साथ मारपीट की गई है। इसके साथ मारपीट के दौरान इसके दादा भी थे, तो दादा के साथ भी गाली गलौज की गई है। तो थाना सिविल लाइन में संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया, जांच की जा रही है और मुलाजा कराया जा रहा है। इनका पुराने भी कोई विवाद है? हाँ, इनकी जो मारपीट हुई है वो पुराने विवाद को लेकर हुई है। इधर घायल छात्र और उस पर हमला करने वाले छात्रों के बीच पुराना विवाद होने की बात सामने आई है।